tonight, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back memories. Hey everyone, welcome back to my channel Swetha Styles. और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक येलो कलर की कुर्ता शरारा सेट और एक रेड कलर की कुर्ता और शरारा सेट दिखाने वाली हूँ. ये दोनों ही हल्दी और वेडिंग फंक्शन के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे येलो कुर्ता शरारा सेट के साथ. इस तरह से आपको नेक पे सिंपल सर्कल नेक मिलती है और यहाँ पे गोटापत्ती का वर्क है, सिल्वर कलर की गोटापत्ती का वर्क है नेक पे. स्लीव पे भी आपको सेम मिल जाती है वर्क और ये स्लीवलेस है और अंदर आपको कोई भी स्लीव्स नहीं दी जाती है. पूरे पे इस तरह से आपको व्हाइट एंड ग्लिटर की जो है इस पे पेस्टिंग हो रखी है और सिल्वर ग्लिटर लगा है इसमें. इसका जो बेस्ट पार्ट है वो है इसका फ्लेयर. इसका ओ माय गॉड वाला फ्लेयर है, बहुत ही अच्छा वाला है. एंड आपको फ्लेयर के एंड में भी, यानी कि कुर्ती के एंड में भी, आपको इस तरह से सिल्वर की गोटापत्ती लेस मिल जाती है जो कि बहुत ही यूनिक और ब्राइट बनाती है इसे. और इसमें आपको कोई लाइनिंग लगी हुई नहीं मिलती है इसलिए हल्की फुल्की सी थ्रू भी है. एंड येलो कलर है, लाइट कलर है, इसलिए भी ये थोड़ी सी सी थ्रू है. तो आप जो है इसे अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर पहन ले, उसके बाद ही पहने. पीछे भी आपको पूरी सेम ही मिलती है, यानी कि आगे की तरह इसमें प्रिंट्स बने हैं एंड पूरी सेम है इसमें. एंड मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी कुर्ती. शरारा की बात करूँ तो शरारा आपको दोनों तरफ इलास्टिकेटेड मिलता है, दोनों तरफ इसमें इलास्टिक दी गई है. और उसके बाद इसका भी स्टफ़ बहुत ही अच्छा है. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो है डिफरेंट प्रिंट बनी हुई है. आप देख सकते हो बड़ी बड़ी प्रिंट बनी है इसमें. और यहाँ पे आपको दो लेयर्स मिल जाती हैं शरारा में, जो कि बेस्ट पार्ट है. और यहाँ पे दोनों ही लेयर्स के एंड में आपको गोटापत्ती की जो है डिटेलिंग मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है. इसमें डिफरेंट स्टाइल है जो कि बहुत ही यूनिक बनाती है आप इस शरारे को. किसी दूसरे भी कुर्ती के साथ स्टाइल कर सकते हैं या फिर आपके पास वाइट कुर्ती है उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा. पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. सो हैव अ लुक फॉर दिस कुर्ती. आप इस कुर्ती के साथ डिफरेंट कलर के दुपट्टास को ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक बनाती है इसे. आप इस पे पिंक कलर की एंड रेड कलर की दुपट्टास को ले सकते हैं. तो मैंने भी इसमें लिया है, तो आप देखिए. सो फर्स्ट लुक जो मैंने क्रिएट किया है वो मैंने व्हाइट के साथ क्रिएट किया है. मैंने इस पर व्हाइट चोक, व्हाइट दुपट्टा एंड व्हाइट सैंडल्स पहने हैं इस पर, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है. आप इससे हल्दी फंक्शन में तो ऑफ कोर्स करके जा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा. मैंने अभी आगे वीडियो में आपको और भी लुक बताए हैं तो आप उसे ज़रूर देखिएगा. व्हाइट एंड येलो के बैंगल्स के साथ बहुत ही अच्छा लगता है एंड स्टाइलिश लुक देता है. और स्टफ़ वगैरह बहुत अच्छा है इसका. और ये जो चोकर मैंने पहना है वो मैंने लिया था मीशो से. और मैंने ये दुपट्टा और कुर्ता शरारा दोनों ही फ्लिपकार्ट से लिया था. और प्राइस वगैरह आपके स्क्रीन पे शो हो चुके हैं. और ये है मेरी पिंक कुर्ती लुक. तो यहाँ पे मैंने जो है ना इसमें पिंक कलर सिंपली ऐड कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है. इसमें मैंने चोकर के बजाय लॉन्ग पेंडेंट पहनी है पिंक कलर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बना रही है. तो आप दोनों ही लुक ज़रूर से ट्राई करें. सो अब बात करते हैं नेक्स्ट कुर्ता शरारा सेट की. ये पूरा रेड एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है. इसमें आपको सिंपली सर्कल नेक मिल जाती है और 3/4 स्लीव्स मिल जाती है आपको. साथ ही साथ पूरे कुर्ती में जो है ये फॉइल प्रिंट आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है. इसका स्टफ़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हैवी वाला स्टफ़ है इसका, कॉटन एंड रेयन का बहुत हैवी वाला है. और कोई लाइनिंग नहीं दी गई है इसमें, लेकिन ये 1% का भी सी थ्रू नहीं है. बहुत अच्छा लगा मुझे. और ये जो इसका फ्लेयर है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला है. और ये कुर्ती पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है. इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है और स्लिम फिट लुक आता है. सो मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी इस कुर्ती को भी. एंड इसकी जो लेंथ है वो नी लेंथ तक की है. बात करते हैं इसके शरारा की, तो शरारा आपको दोनों तरफ इलास्टिकेटेड मिलता है और थाइस के बाद से आपको बहुत अच्छी वाली फ्लेयर मिल जाती है. इस तरह से इसमें प्लीट्स बने हुए हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ये पहनने के बाद भी. और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों तरफ इलास्टिकेटेड है, तो इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छे से आती है.
एंड मैंने इसमें साइज़ जो है एल लिया है, और मेरी पिछली वाली कुर्ती का भी साइज़ एल ही है, तो दोनों कुर्ती का साइज़ एल ही लगा है मुझे, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है जो है शरारा। आप इसे डिफरेंट कुर्तीज़ के साइज भी स्टाइल कर सकते हो, और इसका जो फैब्रिक है वो हाई रेयन वाला है। सो या हैव अ लुक फॉर दिस कुर्ती। But you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones. सो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि पहनने के बाद इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। मैंने इसे सिंपली पहना है तो भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फ्लेयर तो शरारे का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो मैंने क्रिएट किया है वेडिंग लुक इस कुर्ती के साथ, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा और ब्यूटीफुल लग रहा है। किसी भी वेडिंग में जाने के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, आप इसे ज़रूर पहन सकते हो। मैंने इसके साथ गोल्डन कलर की लॉन्ग नेकलेस विथ गोल्डन ईयरिंग पहना है, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल चुकी है अपने चैनल पे, तो आप ज़रूर देख लें। और यहाँ पे रेड एंड गोल्डन बैंगल्स के साथ पूरा का पूरा लुक कम्प्लीट होता है। रियली रियली लाइक्ड इट। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।